थैंक यू सगाली न्यूज़। आपका माध्यम से मैं इतना ही हमारी जनता को कहना चाहूँगा कि जनता मेरा पास में जो आज जो विश्वास हमको दिलाया है उनके लिए बहुत कुछ काम करना होगा। इतना विश्वास करके हमको 5,600 वोट से हमको जिताया अगला ओपोनेंट से, तो ये बहुत ही मेरे एक चैलेंज है। लास्ट 1980 से 2004 तक हमारा तेनी सपा में 5 MLA बन चुका है, तो अभी मैं ईस्ट कमिंग का हेडक्वार्टर का फेस को काम करने के लिए हम 6 नंबर में MLA इलेक्टेड किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जमाना बहुत ही बदल चुका है, नाउ वी आर 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको सोचना होगा। इसलिए मैं जनता को आपका माध्यम से मैं अपने ओर से, मेरे फैमिली की ओर से, मेरे सोसाइटी की ओर से, मैं अपना तेनी सपा का जनता और ईस्ट कमिंग का जनता को मैं तन मन से धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। ये जनता का जीत है, अगला हमको काम करना है। जनता को वही रिक्वेस्ट करेगा कि किस प्रकार से काम करना है, आप हमको काम करने दीजिए, आप हमको साथ दीजिए। वोट मारा है तो एक उम्मीद का साथ में वोट मारा है, तो उसके हिसाब से हमको काम करने दीजिए। मैं जनता का आशीर्वाद लेके बहुत ही कुछ करना चाहता है, जनता का उम्मीद को लेके हम उस उम्मीद को जताएगा बोल के सोचता है। जी, और एक सवाल रहेगा, जैसे कि एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके आप अगला बार क्या क्या कहना चाहेंगे आप, हेल्थ को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर? देखिए, एजुकेशन का मामला में बीइंग ए एजुकेटेड, तो मैंने लास्ट 2019 में एक कमेंडमेंट दिया था कि अगर हम इलेक्टेड होता है तो APSS UPSS को हम कोचिंग करवाएंगे। तो जिस दिन मैंने स्वरिंग किया उस दिन ही मैंने एक कमेंडमेंट दे दिया, तो अभी दिल्ली में कोचिंग कराने का मतलब वो हो टाइप कर दिया मैंने। लड़का लो अभी भी अप्लाई कर रहा है एजुकेशन सेक्टर में। आई वॉज इन ऑफिसर्स, एक आदमी ऑफिसर चोरा है तो हम 5 लोग को हम करवाना चाहता है। साल में मैं 5 बल्कि 10 लोग को हम स्पॉन्सर करेगा, ये 5 साल में 50 लोग को हम स्पॉन्सर करेगा। कम से कम हमारा यंग पढ़ा लिखा लो आगे बढ़ने से बहुत अच्छा है। और तीसरी बात, जो मेडिकल लाइन में मेरा मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा या मेरा फेसबुक का थ्रो से भी आप देख सकता है, मेडिकल लाइन में मैंने बहुत ही सोचा है। तो हर बस्ती में आज तक CHA नहीं है और काफ़ी सपा में डॉक्टर का मतलब कमी है, तो मैं अभी सपा जाएगा HOD के साथ में, हमारा वहाँ का जो HR बोलता है जो, उनको मैं समझने के लिए कोशिश करेगा। उसके बाद मैं सरकार से बात करके मेडिकल, स्पेशली मेडिकल में क्या करना चाहिए। हमारा वहाँ पे जैसे HOD है, डेमो साहब से बात करके वहाँ में क्या स्ट्रेन है और हम क्या कर सकता है, हम बात करके हम डिलीवरी करने के लिए कोशिश करेंगे। सर, जनता सर बहुत खुश है आप इलेक्ट होके आए हैं, मतलब काफ़ी ऐसे टेन सेफर में काफ़ी डेवलपमेंट हो गए लगता है सर जनता को। सर ये मैंने इसलिए ये उम्मीद को लेके आगे काम करेगा, जितना हमसे हो सके हम पक्का काम करेंगे। सर, आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा, जैसे सेफर टेन जो टाउन पे सर रोड कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी परेशान है सर रोड ये पे। मेरे लिए बहुत दुखद का बात है। ये सब आप सगाली न्यूज़ वाला नहीं है, मतलब बहुत न्यूज़ वाला ने हमने हमको पूछा, ये हम कहते हुए भी हम मतलब दुख भी लगता है। बट जिस दिन हमको इलेक्ट हुआ तो अभी टाउन में मेंटेनेंस के लिए मैंने कुछ पैसा मतलब रखवा दिया, तो अभी जो प्रॉपर वे से 1980 से जो हेडक्वार्टर के हिसाब से जो प्लान नहीं किया, अभी हमने प्लान करने के लिए बोल दिया, तो प्रॉपर 3D वे से हम प्लान करेगा।
तो ये टाउन का डेवलपमेंट के लिए सरकार से मतलब ऑलरेडी सरकार ने मतलब अनाउंसमेंट भी कर दिया, तो उसको अच्छा से हम यूज़ करेगा वो पैसा को। काफ़ी साल से ये रोड का मतलब दुखद होकर बैठा है, उसको हम प्रॉपर वे से काम करने का हम कोशिश करेगा और काम करके भी दिखाएगा, स्पेशली टाउन रोड को। तो लास्ट मैसेज तो क्या देना चाहिए, क्या कहना चाहिए मैं आप? जनता को, ये जनता का जनाधन है तो जनता का आशीर्वाद है, जनता को उम्मीद को लेके हम काम करेगा। जनता को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये जीत जो जनता का जीत है, ये मेरा जीत नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद है, ये अपना तेनी सपा का लोग का आशीर्वाद है। हम आगे जाके काम करेंगे, मैं जनता का धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। थैंक यू।